फ्रांस में बारबोन राजवंश के सबसे प्रतापी राजा थे लुई चौदहवां, जिन्होंने फ्रांस में 73 साल तक राज किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि किसी दरबारी में हिम्मत नहीं थी कि सीधे बात कर सके। जब यह रात में सोता था तो सवेरे उसे जगाने के लिए मुगल बादशाहों की तरह घंटा नहीं बजाया जाता था, बल्कि दरबारी इसके कमरे की खिड़की खोलते और कहते थे कि महाराज उठिए, सूर्य भगवान धरती पर प्रकाश फैलाने के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। उसी की नकल देश का प्रथम परिवार भी करता है और वैसे ही उनके चमचे भी है। सुबह से शाम तक शब्द चाटुकारिता करते रहते हैं। चापलूस और चमचे का ऐसा करना मजबूरी है, अन्यथा जयराम रमेश स्वयं कहां होंगे उनको खुद नहीं पता। राहुल गांधी को आने वाला प्रधानमंत्री बताना, उनके चापलूसी के कसीदे पढ़ना, मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बोलकर ही तो जयराम रमेश एंड गैंग अपनी दुकान चला रहा है और अब तो नेता प्रतिपक्ष भी बनवा दिया। इन्हीं सब के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर कांग्रेस बुरी तरह तमतमा गई। कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख नहीं था, जो उन्हें इतिहास से मिटाने के लिए जारी अभियान का हिस्सा है। राहुल गांधी के सलाहकार जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने नेहरू के 15 अगस्त 1947 के भाषण का जिक्र किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कल रात माननीय राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कई प्रतिष्ठित हस्तियों का उल्लेख तो हुआ, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिन्होंने अंग्रेजों की जेल में 10 साल बिताए थे। यह स्पष्ट रूप से उन्हें हमारे इतिहास से मिटाने और समाप्त करने के लिए जारी अभियान का हिस्सा है। आगे जयराम रमेश ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति के संबोधन में नेहरू का नाम नहीं लिया जाना उन्हें इतिहास से मिटाने के अभियान का हिस्सा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार 14 अगस्त की शाम देश के नाम अपना संदेश दिया था। देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वाधीनता संग्राम की विभिन्न परंपराओं और उनकी विविध अभिव्यक्तियों को एकजुट किया, साथ ही सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अंबेडकर तथा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक महान जननायक भी सक्रिय थे। यह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसमें सभी समुदायों ने भाग लिया। आदिवासियों में तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, लक्ष्मण नायक और फूलो झानो जैसे कई अन्य लोग थे। राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब देश दुनिया की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में जगह पाने के लिए तैयार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर आयोजित समारोह में शिरकत की। राहुल यहां पर आम लोगों के साथ बैठे दिखे। कांग्रेस सांसद ने ऐसा क्यों किया, इस पर रक्षा मंत्रालय का बयान आया है। मंत्रालय के अनुसार राहुल के लिए आगे की सीट रिजर्व थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से लाइन में पीछे बैठने का फैसला किया। हालांकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी वहीं बैठे थे जहां उन्हें सीट दी गई। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में 5वीं सीट आवंटित की गई थी। उन्होंने कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा, उन्होंने आवंटित सीट को शिफ्ट करने की इच्छा नहीं जताई, वे वहीं पर बैठे जो सीट उनके लिए निर्धारित की गई थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल के बगल वाली सीट आवंटित की गई थी, लेकिन खड़गे समारोह में शामिल नहीं हुए। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के लिए आगे की सीट रिजर्व थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से लाइन में पीछे बैठने का फैसला लिया। राहुल ने वहां इंतजाम में लगे स्टाफ से कहा कि मैं कॉमन लोगों के बीच में बैठना चाहता हूं, यहां मौजूद तमाम नेताओं के साथ तो मैं सदन में भी बैठता हूं। लेकिन वहीं कांग्रेस सांसद और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पीएम की आलोचना की और कहा कि जिस अहंकार के साथ आपने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को
आखिरी पंक्तियों में धकेला, उससे पता चलता है कि आपने अपना सबक नहीं सीखा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों सदनों के विपक्ष के नेता भी पहली पंक्ति में बैठने चाहिए, लेकिन राहुल जी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीटें पांचवी पंक्ति में थी। यह न केवल विपक्ष के नेता या राहुल गांधी जी के पद का अपमान था, बल्कि यह भारत के लोगों का अपमान था जिनकी आवाज राहुल गांधी संसद में उठाते हैं। इन्हीं सब बवाल के बीच अब सीधे अचानक लाल किले से अमेरिका पहुंच गए हैं राहुल गांधी। सितंबर महीने में अमेरिका जाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी दी गई है। अमेरिका में उनके भारतीय प्रवासियों, छात्रों और सांसदों से मिलने की उम्मीद है। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद यह राहुल गांधी की पहली विदेश यात्रा होगी। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी सितंबर के दूसरे हफ्ते में कांग्रेस के लिए रवाना हो सकते हैं, जहां उनके 8 से 9 दिनों तक रहने की संभावना है। राहुल का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल की यह पहली विदेश यात्रा होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद 2014 से 2024 तक खाली रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस अवधि के दौरान किसी भी विपक्षी दल के पास इस पद को हासिल करने के लिए पर्याप्त सांसद नहीं थे। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या 99 पहुंचने के बाद 25 जून 2024 को राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था। इससे पहले राहुल गांधी पिछले साल जून 2023 में अमेरिका की यात्रा पर गए थे। राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे पर दिए गए बयानों को लेकर भारत में राजनीतिक घमासान भी मचा था। इस मुद्दे पर कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी आमने सामने आ गए थे। बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही थी, तो वहीं कांग्रेस ने भी साफ कर दिया था कि राहुल के बयान पर माफी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। झारखंड में राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तगड़ा झटका लग सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अभी वह हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री हैं। बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं। सियासी गलियाओं में चर्चा ये भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मोर्चा के कुछ अन्य विधायक भी हेमंत सोरेन का साथ छोड़ सकते हैं। चंपई सोरेन अगले 1-2 दिन में दिल्ली में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद दिल्ली में ही बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। बता दें कि बीते कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के चंपई सोरेन को अपने पाले में लाने की चर्चा ने सियासी गलियारों में जोर पकड़ रखा है। कयास लगाया जा रहा है कि चंपई के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई और भी नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही चंपई सोरेन काफी नाराज चल रहे हैं। चंपई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और राज्य के 7वें सीएम के रूप में काम किया। चंपई सोरेन की गिनती झामुमो के सीनियर नेताओं में होती है। 7 बार के विधायक हैं। 2005 से वो लगातार सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1991 में पहली बार सरायकेला से ही विधायक बने थे। हेमंत सोरेन ने 2019 में चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री बनाया था। उन्हें परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण का जिम्मा दिया गया था। बता दें कि हाल ही में हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बदले सियासी हालत में चंपई सोरेन को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर चंपई को नए कैबिनेट में मंत्री पद दिया गया है, परंतु ऐसी चर्चाएं हैं कि इसके बाद से ही वो काफी नाराज चल रहे हैं। झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव ऐलान से पहले ही राजनीतिक दल सियासी मोड में आ गए हैं। राज्य में विधानसभा की कुल 82 सीटें हैं, इसमें से एक मनोनीत है, यानी 81 सीटों पर वोट पड़ते हैं। मौजूदा विधानसभा में 27 विधायकों के साथ झामुमो सबसे बड़ी पार्टी है, जो कि विपक्षी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। राज्य में झामुमो, कांग्रेस, माकपा, माले और राजद के साथ गठबंधन में सरकार चल रही है। कांग्रेस के पास 18, माकपा, माले और आरजेडी के पास 1-1 विधायक हैं। वही केंद्र की सत्ताधारी दल बीजेपी झारखंड में विपक्ष की भूमिका में है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। अन्य विपक्षी दलों में
ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को 3, माकपा को 1 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं, जबकि 4 सीटें किसी वजह से खाली हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है। स्वामी ने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। उन्होंने इस मामले पर केंद्र सरकार से भी कदम उठाने की मांग की है। इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की। इससे पहले केंद्र ने राहुल गांधी की नागरिकता पर आरटीआई से मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर दिया था। भाजपा नेता ने कोर्ट से मांग की है कि वह इस मामले पर केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग करे। साल 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। उस समय भी उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लेख करते हुए कहा था कि वो किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं। बता दें कि भारत में एक व्यक्ति को केवल एक नागरिकता प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा 20 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी को नागरिकता से संबंधित शिकायत पर एक नोटिस भेजा गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने पत्र में आगे लिखा था कि बैंक ऑफ लिमिटेड नाम की एक कंपनी 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी, जिसमें राहुल गांधी निर्देशक और सचिव थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 2005 और 2006 में दाखिल कंपनी के वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून 2070 बताई गई थी और उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी। गौरतलब है कि कुछ साल पहले भी राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़े हुए थे। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी। उस दौरान याचिका में राहुल गांधी की नागरिकता के मामले पर गृह मंत्रालय को जल्द जांच के निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। तब तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे ब्रिटिश नागरिक हो गए। इस पूरे विवाद पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आगे आकर कहा था कि यह पूरे देश को पता है कि राहुल गांधी इंडिया में जन्मे हैं और वे इंडियन हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। यह भगत सिंह कहते हैं अपने को, और फट रही है भाषण देने में। देश का इकलौता सीएम जिसने अपने लिए बुलेट प्रूफ ग्लास से भाषण दिया। पंजाब में खालिस्तान की बढ़ती गतिविधियों का या फिर कुछ और, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि 15 अगस्त के उनके भाषण के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान का चौतरफा आलोचना हो रही है। दरअसल मामला यह है कि वह जालंधर में 15 अगस्त पर जनता को संबोधित कर रहे थे, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर से जैसे ही उनका यह वीडियो सामने आया, विरोधी पार्टियां उन पर जमकर हमला बोलने लगी। उनकी आम आदमी पार्टी की सहयोगी दल कांग्रेस ने भी उन पर जमकर हमला बोला है। दरअसल भगवंत मान ने जालंधर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर बुलेट प्रूफ केबिन से भाषण दिया। पंजाब पुलिस ने बुलेट प्रूफ ग्लास स्क्रीन 16 लाख रुपए में विशेष रूप से खरीदा था। इसके बाद से उनकी खूब आलोचना हो रही है। इंडी गठबंधन में उनकी पार्टी की सहयोगी दल कांग्रेस के नेता भी जोरदार हमला कर रहे हैं। यह पहली बार है कि पंजाब के किसी मुख्यमंत्री के स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए विशेष उच्च सुरक्षा बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड का इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर विरोधी दल के नेताओं ने सीएम पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह ने सोशल मीडिया पर सवाल किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो रोजाना रैलियों में भाषण देते रहते हैं, वे आज स्वतंत्रता दिवस पर बुलेट प्रूफ मंच के माध्यम से देशभर में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या पंजाब असुरक्षित हो गया है? यह बदलाव भी 70 साल में पहली बार हुआ है। इसके अलावा आदमपुर से कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह कोटली ने भी उन पर जमकर हमला किया। कोटली ने कहा कि पंजाब में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर बुलेट प्रूफ केबिन में भाषण दिया कि मुर्गी फार्म खोले जाने चाहिए। पीसीसी प्रधान अमरिंदर वडिंग, पूर्व मंत्री परगट सिंह व विधायक सुखपाल खेरा ने कहा है कि चुनाव से पहले सीएम मान कहते थे कि अगर लोगों के बीच जाने से डर लगता है तो मुर्गी खाना खोल लेना चाहिए। अब सीएम मान खुद डर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भगवंत मान को लेकर तंज कसा है।
अकाली दल ने एक्स पर लिखा है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बुलेट प्रूफ शीशे से गपशप सुनाने वाले भगवंत मान पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने। पहले कहा जाता था कि अच्छे कर्म किए हो तो डरना नहीं, ढाई साल में क्यों डर गए। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इस अवसर पर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और सीएम की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर भी मौजूद थी। हालांकि उनकी सुरक्षा में तैनात अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री को विशेष सुरक्षा प्राप्त है और ऐसे राज्य स्तरीय आयोजनों में हमेशा खतरा बना रहता है। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी कदम उठाना जरूरी है। कार्यक्रम से कुछ दिन पहले बम निरोधक और तोड़फोड़ विरोधी दस्तों ने पूरे स्टेडियम परिसर के साथ साथ आसपास की इमारतों की जांच की ताकि खतरों का पता लगाया जा सके। बुधवार शाम तक जांच जारी रही और बुधवार शाम से ही कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले यातायात को भी डाइवर्ट कर दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।